बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, जो बनाना बहुत आसान है। चलिए पहले हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया 2 कप मैदा। हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, नमक हसबे ज़रूरत, चीनी 1 चम्मच, 2 टेबलस्पून ईस्ट यानी खमीर। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे नीम गर्म पानी से। पानी ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म। अब इसको हम पानी के साथ अच्छे से गूंद लेंगे। डो ज़्यादा ना सख्त होना चाहिए और ना ज़्यादा नरम। देखिए हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया। अब हम अपने बाउल को भी ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। और अपने डो को भी अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। और अब हम इसको कवर करके 2 से 2.5 घंटे के लिए रख देंगे। और फ्रिज में नहीं रखना, किसी गर्म जगह पे रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चिकन रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1/2 टीस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून ऑयल, नमक 1/2 टीस्पून या आपसे हसबे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। तो हमने चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट कर लेते हैं। इसको आपने अच्छे से मैरिनेट करने और आधे घंटे के लिए रख देना फ्रीजर में। अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गई है। इसको हमने 30 मिनट के लिए रखा था, देख सकते हैं। चलिए अब इसको पकाते हैं। हमने यहाँ से 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। हम इसको पकाते हैं चिकन को।
देख सकते हैं हमारी चिकन का कलर चेंज हो गया, हम इसको कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देखें हमारा जो पिज्जे का डो है वो साइज़ में डबल हो गया है। हम इसको अब बिल्कुल हल्के हाथों से गूँध लें, इसको ज़्यादा नहीं गूँधना, फिर ये सख्त हो जाएगा, हमारा पिज़्ज़ा भी अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको गूँधेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। आप इसको बेल के भी कर सकते हैं, मैं इसको इस तरह कर रही हूँ। अब हम इसमें पिज्जा सॉस लगाएंगे अच्छे तरीके से। इसमें हम चीज लगाएंगे, शिमला मिर्च लगाएंगे, टमाटर, जो मैं अपनी चिकन तैयार की थी अब बोल गएंगे। फिर से ऊपर स्टील लगाएंगे, अब इसमें हम अपने थोड़े से ऑलिव्स लगा लेंगे। अब हम इसको बेक करते हैं। हम अपनी कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे लो टू मीडियम हीट पे। पिज्जे को बहुत एहतियात से रखना है अंदर। इसको 30 से 35 मिनट के लिए पकाएंगे लो हीट पे। देखिए हमारा जबरदस्त सा पिज्जा तैयार हो गया, हमने इसे निकाल लिया, ये पूरा बहुत अच्छे से बेक हुआ है हमारा पिज्जा।